अस्सलामुअलैकुम, मैं फरमान हैदर चैनल ट्रू के माध्यम से आपसे एक बार फिर रूबरू हूं। मैं आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जो एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार एक मस्जिद के बाहर लोगों से ले रहे हैं, और सिर्फ सवाल जो पूछ रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम के पूछ रहे हैं, जबकि एक हमारे इतने बड़े चैनल के या इतने बड़े यूट्यूबर को कहा जाए वो इस तरीके के सवाल मेरे ख्याल से नहीं पूछने चाहिए जो एक धर्म जाति के ऊपर सीधा सीधा प्रहार करते हैं। मैं आपको उनकी कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जो उन्होंने अपने एक जो वीडियो बनाई है वो एक मस्जिद के बाहर बनाई है, और वो लोगों से पूछ रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस जो है, वो किस तरीके से मुसलमानों को सपोर्ट कर, मुसलमान कैसे सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों को बीजेपी को क्यों नहीं करते सपोर्ट। ये जो सवालात हैं मैं आपसे कुछ वीडियो ऐसी डालूंगा, उसमें कुछ लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी, क्योंकि बंगाल में जो है वो काफी पढ़े लिखे लोग भी हैं, और बल्कि वहां पर मुजाहिदी जो है वो पढ़े लिखे लोगों की है और उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। तो मैं आपको उसकी कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा कि जो पढ़ा लिखा आदमी है उन्होंने उससे जब सवाल किए तो उन्होंने जब जवाब दिए तो वो दूसरे के पास कैसे, मतलब उनको हटाकर दूसरे के पास जाना चाह रहे हैं। तो जो बात सच है वो कोई भी आदमी दिखाने को तैयार नहीं है। एक आदमी उस बात को सही लॉजिकली पूरी पूरी बात बता रहा है तो उसकी बात सुन नहीं रहा है, दूसरे के पास लेके जा रहे हैं कैमरा। और जो बात, मतलब बहुत से लोग कम जानते होते हैं राजनीति में, उनको ज्यादा मालूमात नहीं होती, तो उन लोगों से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मैं उनकी वीडियो के दो चार आदमियों के जो वो है मैं वो आपको दिखाऊंगा, आप उसे जरूर सुनिए और देखिए किस तरीके से ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है, ये न्यूज 24 के हैं, और वो किस तरीके से लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, किस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि वो सवाल किस तरीके के पूछ रहे हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि हमारे जो बड़े पत्रकार हैं, जो हमारे देश की एक चेहरा है जो चैनल, वो अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो हम छोटे जो पत्रकार हैं, जो चैनल यूट्यूब चैनल बनाए हुए चल रहे हैं लोग, वो किस तरीके से प्रेरणा लेंगे। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो हमारे जो बड़े चैनल हैं वो किस तरीके से पब्लिक को खुद बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, देखिए आप उसे। क्या है मुसलमान वोट बैंक कब तक देखा जाएगा? जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा। आगे बोलिए, आपके पास जो सवाल है, अगर मान लिया जाए कि मैं अगर बीजेपी करता हूं या हम बीजेपी सपोर्टेड हैं भी, तो हमारा क्या नारा होना चाहिए? यही कि जय सियाराम, जय श्री राम, और क्या हरे कृष्णा हरे हरे, या बीजेपी घड़े घड़े, हमारा क्या नारा होना चाहिए आप बता दें। हम अगर बीजेपी करते हैं तो क्या बीजेपी यही सिखाता है जी? आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम यशनासी स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य कुरुति किम लोचनाभ्याम अभि नस्य दर्पण किं करिष्यति, ये नहीं पढ़ते आप, सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम पढ़ते हैं। उसके आगे भी और श्लोक हैं, विद्या ददाति विनयम, विना ददाति पात्रतम पात्रत्वात् धर्मा पुनोति धना धर्म तथा सुखम अयं निजः परो वेति गणना लघु चेत श्याम उदार चरित्र नाम तु वासुदेव कुटुंबकम यशनास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य कुरुति किम। क्यों नहीं पढ़ते आप? सिर्फ बीच से निकाल के सबका साथ सबका विकास सबके साथ सलामती आप करते हैं। फिर आप ही का श्लोक कहता है, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गच्छति धीमताम व्यसन चमुरखानांग निद्रिया कलहन वा आपदामा पतंती नांग ही तो पिया जाती हेतु ताम मात्र जंघाई विश्वास से अस्तम भी भवती बंधने। हम मुसलमान जब तक इस धरती में आए कटते आए हैं, कटेंगे और कटते रहेंगे। हमारी तारीख है कि हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला। मेरठ से लेकर दिल्ली तक 60,000 आलिम दीन पेड़ पर लटके हुए थे, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं था। हमने आज़ादी दी है, ये मैंने दी है, ये मेरी मिल्कियत है, आज मुझे अलग किया जा रहा है। आप जब तक हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलेंगे कोई काम नहीं बनेगा, इसलिए कि जो लोग हैं हिंदुत्व, जिसमें हर छोटी जातें और मीडियम क्लास की जातों को हिंदू बना करके सामने पेश किया जाता है और मारपीट दंगे कराते हैं, ये बड़े लोग। आपको चार हिस्से में बांट दिया गया है, क्षत्रिय, वेश, शुद्ध और ब्राह्मण। पहले ये चार एक नहीं हैं, इनके चार खुदा अलग अलग हैं, बल्कि हिंदुओं में अब तक तो मुझे मालूम है कि ये 42 जात में बटे हुए हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। बात तो आप मानोगे, आपकी सारी बात ठीक है, आप भी तो मानोगे कि मुसलमान भी आप
एक्सेप्शन है और आपने बहुत अच्छी बात कही। माहौल क्या है, मैं बहुत सारे जगहों पर गया, अभी तक आप जैसी बात करने वाला कोई मुसलमान किसी मस्जिद में मुझे नहीं मिला, हालांकि बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुसलमान में भी जाहिलियत, पढ़ाई लिखाई की कमी है उनमें, साक्षरता की कमी है, सुनिए जागरूकता की कमी है, वो भी कट्टरवाद की तरफ जाते हैं। जो कट्टरवाद की बात करता है मुसलमान उसके पीछे खड़ा होता है, जो धनबल वाला आदमी होता है, जो ताकत वाला आदमी होता है मुसलमानों में, जो एक तरह से ताकत दिखाता है अस्त्र की, शस्त्र की, शरीर की, मुसलमान उसके साथ जाता है, जो कट्टरवाद की तरफ बोलता है मुसलमान उसकी तरफ जाता है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि फिर आप कहाँ मेन स्ट्रीम में जा रहे हो, अपने को अलग खुद कर रहे हो। जहाँ तक आपने कहा जाहिल का सवाल है, तो जाहिल अनपढ़ नहीं होता है, पढ़े लिखो के हमारे इस्लाम में जाहिल कहा जाता है, ठीक है। जाहिल जो लफ्ज़ है, ये जाहिल पढ़े लिखो, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो पढ़ लिख करके हट करके जब बात करते हैं वो जहालत की बात करते हैं। अनपढ़ तो जाहिल हो नहीं सकता, अनपढ़ जाहिल नहीं हो सकता। मज़हब इस्लाम में पढ़ा लिखा जाहिल है। हमारे यहाँ जाहिल हमारे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू जहल को जाहिल कहा, वो तो मतलब जो है सो क्या बोला था, अबुल हकम था, हिकमतों का बाप था। अल्लाह के हबीब ने कह दिया कि अबू जहल जाहिल है, तो पूरी कौम रहती दुनिया तक उसे जाहिल कहेगी। तो पढ़ा लिखा आदमी जाहिल होता है, अनपढ़ जाहिल नहीं होता, सबसे पहले ये है। और जो जहाँ तक कट्टरवाद की बात है, तो मुसलमान में कोई कट्टरवाद नहीं है। जिस तरह इस्लाम में तवायफ खाना हराम है, शराब हराम है, उसी तरह इस्लाम में आतंकवाद हराम है। देखिए एक मिनट, मैं किसी धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। हाँ, सारे धर्म एक ही कहते हैं, सारे धर्म उतने ही अच्छे हैं, सब मानवता की बात करते हैं, सब मानव बोलियों की बात करते हैं, सब एक ही ईश्वर की बात करते हैं, सब भाईचारे की बात करते हैं। मानने वालों में गलती हो सकती है। क्या होता है कि लोग एक ईश्वर की बात नहीं करते, ये मैंने फिर अभी कहा, काव्य शास्त्र भी नोदना कालो गीमता मूर्खानांग, अगर तुम नेक नियति और अच्छे को नहीं मानते हो तो इस धरती पर सबसे बड़े मूर्ख हो, ठीक है। अगर हम लोग मतलब ये कहते हैं कि जैसे आप बड़े लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, ये हम मान करके आपको चलते हैं, आपका जाहिर और है बातिन और है, तो हम जाहिर समझ के आपको वोट देते हैं, बातिन क्या है, बातिन में अगर शैतानी छुपी है तो हम तो देख लें, हम अंतर्यामी थोड़ी नहीं कि आँख फाड़े और आपके दिल को देख लें। ये तो बाद में पता चलता है कि मैंने वोट दिया तो पता लगा कि नहीं, इनका जाहिर और था और बातिन और है, जाहिर में इंसान और बातिन में ये शैतान है, तब हम अलग होते हैं। हम लोग कुछ दूसरी बात कर गए और लंबी कर गए। वैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव का माहौल आप क्या देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल का चुनाव यही है कि ममता दीदी आएगी यहाँ और क्या, और अब फाइट में बीजेपी है। देखिए फिर वो बीजेपी कहेंगे तो बीजेपी वही है कि ये हिंदू मुस्लिम लेकर के चल रही है, इसके साथ दूसरा कोई एजेंडा नहीं। ये मुसलमान को हटा दे, ये पूरे हिंदुस्तान में इसको एक वोट नहीं मिलेगा। ये लफ्ज़ मुसलमान अपने एजेंडे से हटा दे बीजेपी, मेरा दावा है आपसे कि उसको हिंदू भी वोट नहीं देगा। लेकिन लफ्ज़ मुसलमान हटा दे बीजेपी, आप बीजेपी को सुनाइए कि मुसलमान कहता है कि लफ्ज़ मुसलमान तुम अपने एजेंडे से हटा दो, तुम अपने एजेंडे से लफ्ज़ मुसलमान हटा दो, जिस तरह ईसाई हटाते हो। हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा खतरा इस हिंदुस्तान में ईसाइयों से हुआ है, मुसलमानों से नहीं। आज सबसे ज़्यादा हिंदू ईसाई बन रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ उसका मतलब ध्यान नहीं जाता। उसको कहिए कि सिर्फ लफ्ज़ मुसलमान हटा दो। देखिए मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, और मेरी मजबूरी है कि मैं लोगों से भी बात करता हूँ, समय बहुत कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करता हूँ। बहरहाल आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अनस है, मैं यहाँ सामने हमारी छोटी सी दुकान है काम